हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो मैच होने वाला है यहाँ पर आरसीबी वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में। तो ये 19th मैच होने वाला है आईपीएल का और यहाँ पर सारी ही न्यूज़ और डेटा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोनों ही टीमों की, तो पॉइंट टेबल में दोनों ही टीमें बहुत नीचे हैं। सातवीं और आठवीं रैंक दोनों ही टीमों की है। थोड़ी सी अच्छी बेटर टीम आरसीबी आपके लिए होगी बिकॉज इनका होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, तो यहाँ पर इनके लिए थोड़े से ये फेवरेट रहेंगे। आप देख सकते हैं रैंक में भी थोड़े से ऊपर है, तो यहाँ पर दिल्ली के लिए आज आप बोल सकते हैं 58% चांस यहाँ पर आरसीबी का है और 42% चांस यहाँ पर दिल्ली की टीम का विन करने का है। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स 19 मैच दोनों ही टीमों ने खेले हैं आपस में, जिसमें से 11 मैच विन करे हैं आरसीबी ने और 8 मैच विन करे हैं यहाँ पर दिल्ली ने। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो 58% टाइम्स यहाँ पर सक्सेस रेट मिला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी को और 42% टाइम यहाँ पर विन करी है दिल्ली की टीम। तो यहाँ पर थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है आरसीबी का, इसके अलावा होम ग्राउंड एडवांटेज भी है, तो यहाँ पर इनके परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं आज मैच विन करने के। तो आरसीबी आज यहाँ पर आपके लिए फेवरेट होगी। और बात करें डेटा की, तो यहाँ पर बहुत सारा मैंने डेटा आपके लिए निकाल रखा है, धीरे धीरे सब डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पिच कंडीशन की, तो पिच कंडीशन आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोर बना है अभी तक इंटरनेशनल T20 में तो 202 के आसपास का बना है। वहीं बात करें एवरेज स्कोर की, तो 150 और 130 के आसपास का एवरेज स्कोर है। तो अगर आप इसको एक एवरेज निकालें तो 145 और 150 के आसपास का एवरेज निकल के आएगा। तो हाईएस्ट 200 और 150 का एवरेज स्कोर है। और पिछले कुछ मैचेस की बात करें जो आईपीएल के अभी तक मैचेस हो गए हैं बेंगलुरु में, तो उनके डेटा भी आप यहां पर निकाल के रखे हैं। एट्थ मैच जो हुआ था, जो आठवां मैच आईपीएल का हुआ था, किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, यहां पर आप देख सकते हैं 155-160 के आसपास का स्कोर बना था। वहीं बात करें 11वां जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, तो यहाँ पर 200 भी टच करे थे। तो इस पिच पर 155 भी बन चुका है, 217 भी बन चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर तो 155 के आसपास का था, वो भी बन गया है। और जो 202 इंटरनेशनल मैच का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट चुका है। तो आईपीएल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन पड़ते हैं, तो आप मान के चलिए आज के मैच में भी 175-180 के आसपास के रन आपको देखने को मिल सकते हैं। और 217 एक बार टच हो चुका है तो दूसरी बार भी टच हो सकता है। तो गाइज़ यहाँ पर पिच अच्छी है बैटिंग के लिए, और कोशिश कीजिएगा जो अच्छे बैट्समैन उनको आप ले लें अपनी टीम में, इसके अलावा जो अच्छे बॉलर्स हैं ऑलराउंडर्स हैं उनको भी आप ना छोड़ें। बात करेंगे दोनों ही टीमों की, तो यहाँ पर सबसे पहले आरसीबी की बात करते हैं, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए क्रिस वोक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर मैच में 2 से 3 विकेट निकाल रहे हैं, हर मैच में 2 विकेट के आसपास तो निकाल ही लेते, इकोनॉमी भी ठीक है। विराट कोहली अपनी टीम के लिए एकमात्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। युजवेंद्र चहल हमेशा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ में नहीं कर पा रहे हैं। उमेश यादव बहुत अच्छा अभी फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये कुछ प्लेयर आपके लिए वॉच करने के लिए होंगे आरसीबी की तरफ से। और देख लेते हैं इनका बैटिंग लाइनअप क्या है। तो पिछले मैच में यहाँ पर डिकॉक और विराट कोहली ने ओपनिंग करी थी, ब्रैंडन मैकलम को नहीं खिलाया गया था और उनकी जगह पे यहाँ पर कोरी एंडरसन को लाया गया था। तो इस मैच में भी एक्सपेक्टेड यही कुछ होगा बिकॉज पिछले मैच में अच्छा फॉर्म था विराट कोहली का और इस पोजीशन पर अच्छा खेल रहे थे। इसके अलावा एक चीज़ ये हो सकती है, यहाँ पर सरफराज खान की जगह पर जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मनन वोरा को लाया जा सकता है। मनन वोरा के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सरफराज खान की जगह पर आने के, तो अगर ये खेलते हैं तो मेरे हिसाब से ओपनिंग इनसे करवाई जाएगी डिकॉक के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो अपनी नेचुरल पोजीशन में विराट कोहली फर्स्ट डाउन आते हैं वही आएंगे, तो ये एक चेंज हो सकता है टीम में। तो यहाँ पर डिकॉक ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली के साथ, या फिर मनन वोरा को अगर टीम खिलाती है तो इनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करवा सकती है, तो इससे डेप्थ बढ़ जाएगी बैटिंग की। तो फिर यहाँ पर विराट कोहली आएंगे, फिर डिविलियर्स आएंगे, फिर मनदीप सिंह जो कि अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इसके बाद सरफराज खान के चांसेस थोड़े से कम है इस मैच में, कोरी एंडरसन की जगह पे यहाँ पर ग्रैंडम को खिला सकती है, बट ये डिसीजन टीम का होगा। और ये इसलिए होगा बिकॉज पिछले मैच में यहाँ पर 4 ओवर में 2 विकेट निकाले थे कोरी एंडरसन ने, बट इकोनॉमी 11.75 के आसपास की थी। तो इकोनॉमी बहुत, आप कह सकते हैं इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, अगर इकोनॉमी प्लेयर की अच्छी नहीं है तो वो डिजर्व नहीं करेगा खेलने के लिए, बिकॉज अगर आप सामने वाली टीम को 217 या 220 के आसपास का टोटल दे देते हो आप तो वैसे ही हार जाते हो। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिपेंड करता है टीम क्या सोचती है, कोरी एंडरसन को या तो एक और मौका मिल जाएगा या फिर यहाँ पर ग्रैंडहोम को भी चांस मिल सकता है। बाकी यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि बैटिंग में डेप्थ बढ़ा देते हैं और टाइम आने पर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग में उतना अच्छा कंट्रीब्यूट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस वोक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कर लेते हैं। इसके अलावा उमेश यादव भी फॉर्म में, मोहम्मद सिराज भी उतना कोई खास नहीं कर पाया, तो यहाँ पर कुलवंत खिजरुलिया को वापस लाया जा सकता है टीम में और युजवेंद्र चहल खेलेंगे। तो ये यहाँ पर टीम हो सकती है आरसीबी की। बात करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की, तो यहाँ पर पहले आपको कुछ रिकॉर्ड्स बता दूं। गौतम गंभीर का जो आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है, टोटल 19 मैचों में 644 रन टोटल बनाए हैं, जिसमें से अगर आप एवरेज निकालें तो यहाँ पर 33 के आसपास का एवरेज निकलेगा और स्ट्राइक रेट 136 के आसपास का है, हाईएस्ट स्कोर 93 है। तो आप देख सकते हैं गंभीर का स्कोर यहाँ पर बहुत अच्छा आरसीबी के खिलाफ और 33 के आसपास रन हर मैच में बनाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं पिक करने के लिए।
इसके बाद यहाँ पर जेसन रॉय ने भी बहुत प्रैक्टिस की है, तो आपको पता ही है पिछले मैच में, शुरुआत मैच में आए थे और बहुत अच्छा स्कोर किया था मुंबई के खिलाफ और मुंबई को हराया था, तो यहाँ पर फिर से ऐसे फॉर्म में देख सकते हैं, तो जेसन रॉय आपके लिए वॉच करने के लिए प्लेयर होंगे। इसके अलावा ऋषभ पंत भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कंटिन्यूअसली, तो ऋषभ पंत भी वॉच करने के लिए प्लेयर हैं और श्रेयस अय्यर। तो बस यहाँ तक आप मान लीजिए ग्लेन मैक्सवेल तक बैटिंग आती है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं यहाँ ग्लेन मैक्सवेल तक, ग्लेन मैक्सवेल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय और गौतम गंभीर, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और बैटिंग लाइनअप भी ऐसे ही होगा, गौतम गंभीर ओपनिंग करेंगे रॉय के साथ, फिर उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर ऋषभ पंत आएंगे, फिर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे। यहाँ पर विजय शंकर की जगह पे चेंज हो सकता है टीम में और किसी और प्लेयर को लाया जा सकता है, बिकॉज विजय शंकर उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे टीम के लिए, बैटिंग बॉलिंग इनकी आ नहीं पाती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर चेंज करना चाहे तो टीम कर सकती है, बाकी रिजर्व में अगर प्लेयर को रखना चाहे तो रख भी सकती है। और बाकी क्रिस मॉरिस की मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड बता दूँ, क्रिस मॉरिस ने यहाँ पर जितने भी मैचेस खेले हैं, क्रिस मॉरिस टू हैज एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द रॉयल चैलेंजर्स, हैव रजिस्टर्ड 2-3 फर्स्ट इन 7 मैचेस, तो टोटल 7 मैच खेले आरसीबी के खिलाफ क्रिस मॉरिस ने, जिसमें से 2 मैच में 3-3 विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर आज वॉच करने के लिए क्रिस मॉरिस भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत के आपको रिकॉर्ड बता दूं, ऋषभ पंत और ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक आरसीबी के खिलाफ सिर्फ एक एक मैच खेला है और उस एक मैच में यहाँ पर 36 बॉलों पर 57 रन बनाए थे ऋषभ पंत ने, आप देख सकते हैं 36 बॉलों में 57 रन, और बोल्ट ने उस मैच में 3 विकेट लिए थे। तो बोल्ट ने एक मैच खेला है, ऋषभ पंत ने भी एक मैच खेला है, ऋषभ पंत ने 36 बॉलों में 57 रन मारे थे पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ, और वहीं बात करें बोल्ट की तो 3 विकेट निकाले थे, दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा आरसीबी के खिलाफ, तो उनको भी आप आज वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा तवतिया भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वॉच करने के लिए, और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दो प्लेयर भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी को आप ले सकते हैं, बाकी शहबाज नदीम की जगह पर यहाँ पर अमित मिश्रा आज खेल सकते हैं। तो गाइज ये कुछ यहाँ पर बात हो गई टीम की, तो आपको यहाँ पर डेटा मैं दिखा ही चुका हूँ, बाकी टीम्स की डिस्कशन हमने कर ली है और अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक अच्छी टीम बनाने की। तो सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद मैंने जो आपके लिए टीम बनाई है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपके लिए दो टीमें बनाई हुई हैं, दोनों ही स्मॉल लीग में भी आप लगा सकते हैं, इसके अलावा ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें टीम वन की, तो दोनों ही टीमें लगभग सेम है, सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन का फर्क है, तो आपको एक टीम दिखा दे रहा हूँ। बात करते हैं अपने विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो दो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, क्वांटन डेकॉक और ऋषभ पंत, दोनों ही अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बात करें क्वांटन डेकॉक की, तो ओपनिंग करते हैं, वहीं ऋषभ पंत यहाँ पर फर्स्ट डाउन आते हैं, दोनों ही प्लेयर अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छी चॉइस ऋषभ पंत हो सकती है, बाकी आप चाहे तो डेकॉक के साथ भी जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में बात करते हैं, यहाँ पर विराट कोहली को मैंने लिया है, गौतम गंभीर को लिया है, जेसन रॉय को लिया है, इसके अलावा यहाँ से मनदीप सिंह को लिया है। आपके और ऑप्शन में यहाँ पर श्रेयस अय्यर है और एबी डिविलियर्स हैं, ये दो ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। डिविलियर्स को मैं लेना चाहता था, बट आप देख सकते क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से मैं एक प्लेयर नहीं ले पा रहा था, तो यहाँ से मुझे इनको ड्रॉप करना पड़ा। इनका फॉर्म देखते हुए बहुत अच्छे फॉर्म में थे पिछले शुरुआती मैचेस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पॉइंट्स अंदर लगा सकते हैं, पिछले दो मैचेस से थोड़ा सा फॉर्म बिगड़ गया है, तो इतना मैं रिस्क यहाँ पर उठा रहा हूँ, बिकॉज मुझे किसी ना किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा है आरसीबी के खिलाफ, तो यहाँ पर जो आउट ऑफ फॉर्म एबी डिविलियर्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस मैच में भी ना चले तो यहाँ पर आपकी टीम अच्छी बन सकती है। तो अगर आप इनको लेना चाहते तो आपको किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो कोहली ड्रॉप करना पड़ेगा, जिनको मैं करना नहीं चाहता, गौतम गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा है, इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से किसी प्लेयर को ड्रॉप करना थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये लोग बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी आ जाती है, तो आपके लिए अच्छे प्लेयर यही साबित होंगे। तो यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली, गौतम गंभीर, जेसन रॉय को ले लिया है, मनदीप सिंह को ले लिया है, मनन वोरा के भी आज चांसेस है खेलने के, तो ये खेल सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपके लिए रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर इनकी श्योरिटी है नहीं खेलने की, अगर खेल जाते तो ओपन भी कर सकते हैं टीम के लिए, फर्स्ट डाउन भी जा सकते हैं, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मनन वोरा बन सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं और प्लेयर्स की, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके लिए रिलायबल प्लेयर नहीं है, तो आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मनदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, गौतम गंभीर, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। बात करेंगे ऑल आउट सेक्शन में, तो यहाँ पर मस्ट पिक आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल होंगे, जो कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, तो और इसके अलावा ओपनिंग भी कर सकते हैं, तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग तो करते हैं, अगर गंभीर चाहे तो उनको ओपन भी करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी इनकी प्लेस है और खेलने की यहाँ पर अगर बात करें तो 3-4 ओवर बॉलिंग भी करा लेते हैं, जनरली 3 ओवर कराते हैं, तो उसमें आपके लिए विकेट्स भी निकाल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लेयर यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मॉरिस का मैं आपको बता चुका हूँ, 7 मैच खेले आरसीबी के खिलाफ, जिसमें 2 बार 3-3 विकेट निकाले हैं, तो आज भी आपके लिए हो सकता है अच्छी साबित हो जाए, तो क्रिस मॉरिस को भी यहां से पिक कर रहा हूं, क्रिस वोक्स को ले रहा हूं। बाकी वॉशिंगटन सुंदर थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बॉलिंग में, हालांकि बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर बैटिंग ऑर्डर फेल होता है, तो
तो मैं इनको यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इनको ले सकते हैं, फिर यहाँ से कॉरी एंडरसन की भी ज़्यादा चांसेस है खेलने की, अगर ये नहीं खेलते तो ग्रैंड डोम को चांस मिल सकता है, डिपेंड करता है टीम क्या सोचती है। मेरे हिसाब से कॉरी एंडरसन को एक और चांस मिलना चाहिए, बाकी टीम चाहे तो ग्रैंड डोम को भी ला सकती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छे ऑप्शन यहाँ पर राहुल तिवतिया है, 8 क्रेडिट में यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आपके लिए क्रेडिट मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी प्लेयर है, बिकॉज आपके पास लास्ट में 8 क्रेडिट ही बचेंगे। तो यहाँ पर राहुल तिवतिया बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसके अलावा शाहबाज नदीम की जगह पर अमित मिश्रा खेल सकते हैं। उमेश यादव कंटिन्यूसली टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको देखते हुए मैं यहाँ पर इनको ले रहा हूँ, और फिर यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को ले रहा हूँ। ये मेरे कुछ यहाँ पर प्लेयर्स होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर शमी को ले सकते हैं, दिल्ली की टीम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और युजवेंद्र चहल को बेंगलुरु की टीम से उठा सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं, तो इनको भी आप पिक कर सकते हैं। बाकी अमित मिश्रा के चांसेस हैं खेलने के, बट नदीम की जगह पे खेलेंगे 100% चांसेस अभी भी इनके मैं नहीं बोलूंगा, तो ये आपके लिए रिस्की ऑप्शन ही बने होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो श्योर शॉट ऑप्शन जिनके 100% चांस है खेलने के, वो युजवेंद्र चहल है, मोहम्मद शमी है, ट्रेंट बोल्ट है, इसके अलावा उमेश यादव है, और यहाँ से फिर राहुल तिवतिया है। बाकी फिर सिराज के भी चांसेस थोड़े से क्रिटिकल रहेंगे, कुलवंत खिजोलिया के भी क्रिटिकल रहेंगे। सेव करता हूँ टीम को, देखते हैं आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हो सकते हैं। तो अभी के रिकॉर्ड्स और फॉर्म को अगर आप देखें तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए विराट कोहली और गौतम गंभीर होंगे। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस वोक्स के साथ जा सकते हैं। क्रिस वोक्स हर मैच में 2 विकेट के आसपास निकाल देते हैं, इकोनॉमी भी इनकी ठीक ठाक रहती है, इसके अलावा बैटिंग आ जाती तो वो बोनस पॉइंट आपको मिल जाते हैं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं, 3 ओवर बॉलिंग डाल लेते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ से विराट कोहली गौतम गंभीर होंगे। मनदीप सिंह को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया बिकॉज हर मैच में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए, और थोड़े से अंडरडॉग प्लेयर हैं, ज्यादा लोग इन पर नजर नहीं है, तो आप चाहे तो इनको भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में रख सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम्स में अक्सर ये देखे जाते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर मनदीप सिंह और विराट कोहली बेंगलुरु के लिए बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं बात करें दिल्ली की, तो गौतम गंभीर, जेसन रॉय और ऋषभ पंत बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो मैक्सिमम रन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पर टीम फॉर्म की है। और इसके अलावा आप चाहे तो और कैप्टन वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होंगे। इसके अलावा आप इन कॉम्बिनेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप खत्म करते हैं ड्रीम इलेवन का वीडियो और बात करेंगे क्रिक मनी की। तो गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रिक मनी की, तो पहले आपको बता दूं यहाँ पर डिपॉजिट ऑफर के बारे में। जब आप यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर 50% का एक कोड होता है, तो उसको आप जरूर लगा दें ध्यान से। तो अगर आप 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 500 रुपये का कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखें जब आप पैसे डिपॉजिट करें। बात करते हैं टीम की, तो टीम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो ऋषभ पंत है, इसके अलावा डिकॉक भी ऑप्शन में होंगे, बट मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बैटिंग में जो मैक्सिमम रन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विराट कोहली, मनदीप सिंह, दोनों को ही मैंने कवर किया है बेंगलुरु की टीम से, और बैटिंग में यहाँ पर गौतम गंभीर, जेसन रॉय को कवर किया है। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में क्रिस वोक्स, क्रिस मॉरिस और ग्लेन मैक्सवेल को लिया है। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर वही मैंने उमेश यादव, राहुल तिवतिया, और इसके अलावा यहाँ से मैंने ट्रेंट बोल्ट को लिया है। तो वही लगभग टीम है जो मैंने ड्रीम इलेवन पे बनाई है, और वही यहाँ पे बनाई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो यहाँ भी विराट कोहली को मैं एज अ कैप्टन जाऊंगा, वाइस कैप्टन गौतम गंभीर के साथ जाऊंगा, बट आपके लिए इस साइड पर सेफ ऑप्शन आपके लिए ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस मॉरिस हो सकते हैं, इसके अलावा क्रिस वोक्स हो सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मेड इन ओवर की इकोनॉमी के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। मैं यहाँ पर विराट कोहली, गौतम गंभीर के साथ जा रहा हूँ। तो गाइस खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आज वीडियो डालने, बिकॉज थोड़े से काम थे मुझे जिसकी वजह से लेट हो गया था, बाकी कल से यहाँ पर आपको वीडियो लेट नहीं मिलेगा। तो गाइस प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।